अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटीवी उर्दू के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुलमोहसिन। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो मेहमान के साथ जो एक हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैदराबादी फिल्मों के सुपरस्टार सलीम फीकू साहब, जिनका असली नाम मस्त अली है, और साथ ही मेरे साथ में हैं शिकागो से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं नौबहार फिल्म्स की CEO एरोसा राही। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम। थैंक यू। जैसे कि अभी एक नई फिल्म आ रही है आप लोगों की, उसके बैनर्स मार्केट में आ गए हैं, हंगामा इन शिकागो। इसके साथ साथ हम दूसरी बात ये भी करेंगे कि नौबहार फिल्म्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फिल्म फेस्टिवल्स लॉन्च करने वाले। रिसेंटली एक शिकागो में हुआ भी है नौबहार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। नौबहार फिल्म फेस्टिवल में एक तो हैदराबादी स्टार्स को भी फोकस किया गया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे चल के इसमें हॉलीवुड स्टार्स को भी अवार्ड्स दिया जाएगा। इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी इंशाल्लाह, हमारा एम तो यही है। हम लोगों ने इसी साल लॉन्च किया है अगस्त में, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी रिकग्निशन अवार्ड्स दिए, जैसा मस्त अली, अजीज नासिर, इस्माइल भाई, सबको शिकागो बुलाकर। और अगले ईयर हमारा प्लान ये है कि कंपेटिटिव लेवल पे सारे फिल्म इंडस्ट्री, जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है, वो लोग सबमिट कर पाएंगे इंटरनेशनल। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री जैसे हैदराबादी है या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में जो फिल्में बनती हैं। जी हाँ अदर इंडिया भी। जी हाँ एग्जैक्टली, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक दो फिल्म की एंट्री हो गई है युगांडा से। सो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको लॉन्च करेंगे। और ये आने वाला जो साल है ये कंपेटिटिव लेवल। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाए तो उस पर हर चीज़ आप लिखी हुई रहेंगी, आपका सबमिशन फॉर्म, कौन सा कैटेगरी आपकी फिल्म उसमें आएगी। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी फिल्म अगर जीती तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको शिकागो आने का मौका भी मिलेगा। हम लोग आपको अवार्ड देंगे वहाँ पर, रिकग्निशन देंगे वहाँ पे, और ये अवार्ड मिलेगा बेस्ड ऑन जजेस का पैनल। तो हमारे पास जजेस का पैनल है जिसमें चीफ एडवाइज़र जो है मिस्टर इफ्तिखार शरीफ है। जी, उन्होंने ही हमारे साथ ये बैठ के सारा प्लान सुना है, एंड उन्होंने पसंद किया है ये चीज़ को, तो इसलिए हम लोगों ने यही साल उसको लॉन्च कर दिया बिस्मिल्लाह के। जी, चीफ एडवाइज़र की जैसे कि आपने बात कही कि इफ्तिखार शरीफ साहब, आप नाज़रीन भी जानते होंगे, हैदराबाद के मारूफ शख्सियत हैं, तो शिकागो में भी काफ़ी आपकी खिदमत हैं, और नौबहार फिल्म्स में उनका भी रोल रहेगा इंशाल्लाह फेस्टिवल्स के मौके पर। और इसमें जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि नौबहार फिल्म्स फेस्टिवल, उसकी वेबसाइट है naubaharfilmsfestival.com। तो इसमें फिल्म्स को एंट्री किस लेवल पे दी जाती है, मतलब कैसे इसकी एंट्री होगी फिल्म फेस्टिवल के लिए, वो कॉन्सेप्ट कैसा है? जी, ईच कैटेगरी बनेगी। सो 5 कैटेगरीज विल बी रिलीज्ड, मोस्ट लाइकली एंड ऑफ दिस ईयर तक रिलीज़ हो जाएंगी वो कैटेगरीज। और उसमें फिर आप सबमिट कर दोगे, उसमें सबमिशन फॉर्म भी रहेगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, उसी में आप सबमिट कर दोगे बाय ईमेल। तो हम लोग इजी बना रहे हैं सबमिशंस वगैरह, और उसमें फिर एक डेडलाइन रहेगी कि कब तक आप सबमिट कर पाएंगे। सो इंशाल्लाह बेस्ड ऑन के हम लोग कौन सी डेट सेकेंड एनुअल रखते हैं, उस बेसिस से हम लोग डेडलाइन चूज़ करेंगे। तो वो डेडलाइन से पहले अगर आप लोग सबमिट कर दिए तो फिर इंशाल्लाह आपकी स्क्रीनिंग होगी वो फिल्म की, अगर आप जीते वगैरह। और स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने रखा है जो भी जीतेगा शिकागो में रहेगा उसकी स्क्रीनिंग, और इंशाल्लाह मुंबई में भी रहेंगे विद इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे तो फिर आगे से आपकी मूवीज़ फिर बड़ी स्क्रीन पर भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरे स्क्रीन के मार्केट एक्सप्लोर होगी छोटे फिल्मों की। जी सलीम भाई, आप रिसेंटली शिकागो गए थे इसी फेस्टिवल के सिलसिले में, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? शिकागो हम लोग, ये हमारा दूसरा टाइम था हम लोग शिकागो गए। बहुत अच्छा लगा जाकर, और वहाँ पे भी हमारे हैदराबादी ऑडियंस, हैदराबादी लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। और जैसे हैदराबाद की ख़ास खूबी है मेहमान नवाजी, खुलूस, मोहब्बत, ये सदियों से चले आ रहा है हैदराबाद में, तो वैसे ही हमको वेलकम करें। और इट वाज गुड। और फिर बार बार बुलाते तो हम लोग बोलते भाई हमको हैदराबाद में भी बहुत सारा काम है, सही है, टाइम एंड अगेन रेगुलर नहीं आ सकते। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। अब ये हंगामा इन शिकागो फिल्म आ रही है, आप उसमें प्रोड्यूसर हैं उरुसा रहीम जी, तो हैदराबादी फिल्में प्रोड्यूस करने का ये जो आइडिया आपके पास आया ये कहाँ से आया? क्योंकि मैं हैदराबाद से ही हूँ, मेरी बर्थ सिटी हैदराबाद ही है, मैं मासाब टैंक से हूँ, तो एक लगाव है, दिली लगाव तो है नेचुरल सा। और जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये समझ आया कि हैदराबादी इंडस्ट्री में काफ़ी क्वालिटी की फिल्म्स बन सकती है सेफेस्ट बजट को लेकर, तो इसलिए फिर मैं जब रिसर्च करना शुरू करी तो फिर मुझे मस्त अली, अजीज नासिर और हुसैन का ख्याल आया, तो इन्हीं को अप्रोच करी मैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम बनते गया, तो फिर आगे कारवां बनते गया। जी हाँ जी हाँ माशाल्लाह। तो सलीम भाई, हंगामा इन शिकागो जो फिल्म आने वाली है इसके प्रोड्यूसर तो उरुसा रहीम साहिबा हैं और डायरेक्शन इसमें किसका है? एक्चुअली हंगामा इन शिकागो जो है उसके डायरेक्टर हैं मेरे दोस्त सैयद हुसैन, जिनकी पहली फिल्म थी पैसा पोटी प्रॉब्लम, फिर रिसेंटली एक फिल्म आई जिसका नाम है दावत शादी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट है बिल्कुल इन द रिसेंट ईयर्स इन हैदराबाद। और जैसे आप लोग काफ़ी सारे यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक पे देख रहे होंगे, वो फिल्म के क्लिप्स लेके लोग डब वगैरह कर रहे हैं, और वो उस फिल्म के थोड़े ऐसे सीन्स हैं जिसको बास एरियो में छोटे छोटे बच्चे मिलके खुद एक्ट करके सही कैरेक्टर्स बनके फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को। तो ये फिल्म के डायरेक्टर सैयद हुसैन हैं, और 9-10 साल के बाद मैं, इस्माइल भाई और जहांगीर जी तीनों एक साथ आ रहे हैं। फिर से तीनों का जोड़ी तिगड़म देखने को जी। एक्चुअली मैं और जहांगीर तो अजीज नासिर कर रहे थे साथ में फिल्म, और इस्माइल भाई भी कर रहे थे। अब हमारी फिल्मों का कैसा रहता, बाज़ वक्त प्रोड्यूसर डिमांड करते तीनों होना जी जी, बाज़ वक्त प्रोड्यूसर बोलते चारों होना, बास प्रोड्यूसर के सब्जेक्ट में 2 जन रिक्वायरमेंट रहते, तो ऐसा इत्तेफाक हम लोग नहीं कर सके। हंगामा इन दुबई के बाद हंगामा इन शिकागो में हम तीनों फिर से साथ में जी आ रहे हैं, तो ईच एंड एवरी सीन जो है फिल्म का बहुत अच्छा फिल्माया गया है। फिर इस्माइल भाई हमारे साथ है सही, और हम लोग की टीम है, काफ़ी सारे अच्छे लोकेशंस वगैरह हैं, और अभी भी लोग जब मिलते बोलते भाई आप लोग तीनों फिर आ रहे हैं, आप लोग तीनों है ना फिल्म में, तो मज़ा आता बिल्कुल। वो तो है, तो अच्छी खासी फिल्म है, स्क्रिप्ट वगैरह, डायलॉग्स वगैरह पे डायरेक्टर सैयद हुसैन जो कि है काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ और सूझबूझ के साथ लिखे, क्योंकि उन्होंने बोले भाई मैं तीनों को इतने सालों के बाद ला रहा हूँ और फिर आप लोगों को अमेरिका में शूट करा रहा हूँ मैं फिल्म, तो मैं चाहता हूँ कि हर सीन में दम रहना बिल्कुल, तो वैसे ही हुआ। और आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम्स में सैयद हुसैन हैज़ प्रूव टू बी अ वेरी गुड डायरेक्टर, जिनकी पहली फिल्म पैसा पोटी प्रॉब्लम अच्छी खासी एवरेज थी, सेकेंड फिल्म दावत शादी सुपर डुपर हिट, और तीसरी फिल्म तो अभी बन रही है, और तीसरी फिल्म सीधा शिकागो में कर रहे हैं वो शूटिंग, एंड उरुसा रहीम इज़ द प्रोड्यूसर एंड शी हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीबडी, हम लोग सब मिलके टीम वर्क करे हैं। अब उम्मीद तो बेटर ही इंशाल्लाह ज़रूर बिल्कुल, जब तीनों साथ में आ रहे हैं फिर तो पब्लिक को भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, जाहिर है कुछ ना कुछ धमाका करेगी फिल्म, तीनों मिलके हंगामा करेंगे जाहिर है बिल्कुल। तो आप भी कुछ डायरेक्शन में? जी हाँ, मेरा एक्चुअली डेब्यू है विद हुसैन एज डायरेक्शन एज वेल। ओके जी हाँ, तो फिल्म में आपका भी डायरेक्शन रहेगा इंशाल्लाह जी। तो ये फिल्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, शिकागो इन हंगामा? हंगामा इन शिकागो का कॉन्सेप्ट तो हम लोग फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मतलब कॉमेडी बेस रहेगी या ट्रेजेडी रहेगी? कॉमेडी, बिल्कुल कॉमेडी, कॉमेडी के साथ साथ मैसेज भी रहेगा फिल्म में। अब हमारी काफ़ी सारी फिल्मों में जैसे कॉमेडी रहती है, लोगों को कॉमेडी दिखती है, मगर वो कैरेक्टर्स जो है रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होते हैं और उसमें मैसेज होता है। जैसे कि बेरोजगार फिल्म मैं और अजीज नासिर करे थे, तो काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग नजरिया रहता कंसेप्ट थे, मगर एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दो लोग आए थे, मिले हमको सऊदी से, बोले भाई हम लोग बाहर थे, हम लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ जाने वाले थे, मगर बेरोजगार फिल्म देख ले के हम लोग डिसाइड करे दोनों, अरे नहीं भाई अपने को बेरोजगार नहीं रहना है, ऐसे हो जाते बोल के फिर हम लोग 1.5-2 साल रह के फिर आए और अच्छा खासा मैसेज है उसमें फिल्म में, बिल्कुल तो फिल्मों से भी यू नो लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं कॉमेडी के जरिए। कॉमेडी तो हम लोग करते ही करते उसके जरिए हम लोग काफ़ी सारा अच्छा मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। सही जाहिर। एक सवाल ये पूछना था कि अंग्रेज़ फिल्म को बनकर तकरीबन 10 साल हो गए, वो अंग्रेज़ फिल्म ने इतनी हिट, मतलब उस दौर में इतना हिट हुई और फिर एक रास्ता बना हैदराबादी लैंग्वेज की फिल्मों के लिए जी। उसके बाद क्यों उस लेवल तक किसी भी फिल्म को आज तक मतलब ऐसा ग्राउंड नहीं मिला? नहीं देखिए वो पहली फिल्म थी हैदराबादी फिल्म, लोगों को पसंद आई। उसके बाद में क्या होता है कि एक मार्केट फॉर्म होने के बाद काफ़ी सारे लोग उसमें जंप करते जी जी, हमको भी बनाना है, हमको भी बनाना है, हमको भी बनाना है। तो वो लोग क्या समझते कि ये बिजनेस जो है बहुत इजी है, कोई भी कर ले सकता। और आप देखेंगे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता सक्सेस हो जाता, हमारे पास हैदराबाद तो सब रियल एस्टेट में चल जाता, समझ रहे आप। अगर कोई ऑटोमोबाइल्स करता कार बाइंग एंड सेलिंग तो सब कार बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर देते, सही समझा। तो अगर कोई होटल खोल रहा, उसकी होटल वो स्पॉट पे सक्सेसफुल हो जाती, उसके बाजू और एक, तो क्या होता ना ये कमा सकते, ना ये कमा सकते, ना ये कमा सकते। देखिए मार्केट खुला है, हर किसी को हक है बिजनेस करने का, सब फिल्म बना सकते, कोई भी कारोबार कर सकते। मगर हमारा ये हम ऑलवेज ये बोलते लोगों को कि भाई आप बनाइए, हम तो चाहते कि हैदराबाद में हजारों आर्टिस्ट हों, बिलीव मी, हजारों आर्टिस्ट हों, हजारों टेक्नीशियंस हों, काफी सारे लोगों को काम मिले, यू नो रोजगार मिले जैसे कि लाइटमैन्स है वगैरह वगैरह। और हमारी बात भी रिसेंटली हुई थी डिप्यूटी सीएम साहब से, तो उन्होंने हमको ये भरोसा दिलाया कि भाई हम आपकी तेलंगाना की तरफ से हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री को हम फुल सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग चाहते कि काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स आए, ये जो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी की जागीर नहीं है, सबको आप क्वालिटी दो, डेफिनेटली पब्लिक लाइक करेगी, बिल्कुल आउटपुट अच्छा होना चाहिए। हमको चाहते, कभी कभी आप यकीन नहीं मानेंगे मोहसिन भाई, हमको आर्टिस्ट होना रहता मगर बाज आर्टिस्ट है यहाँ पे, वो नहीं कर सकते। अब हमको आर्टिस्ट को बुलाना रहता बॉम्बे से, सही, कोई भी कैरेक्टर से, फादर का रोल है, मदर का रोल है, यू नो ऐसे काफ़ी सारे ट्रैक्स है, हीरोइंस है वगैरह, तो हमको यहाँ पे नहीं होता। हम चाहते खुद इंडस्ट्री बनना, बशर्ते कि इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में लॉन्च हो। तो अंग्रेज़ के बाद भी काफ़ी सारे अच्छे फिल्में बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने, मगर अंग्रेज़ इज़ ऑलवेज क्लोज टू आवर हार्ट। सही है, बिल्कुल। तो अभी जैसा कि मतलब नौबहार फिल्म्स का भी एक इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल लॉन्च करने का जो ऑर्गेनाइज करने का इरादा है, तो इससे जाहिर है कि ऐसी फिल्में जो हैदराबादी फिल्में हैं उनको भी एक बड़ा ग्राउंड मिलेगा, मार्केट मिलेगी। तो इसको कैसे देखती हैं रहीम साहिबा, मतलब हैदराबादी फिल्में जो बन रही हैं, आप इसको फिल्म फेस्टिवल में भी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उनको भी वहाँ पे एक एज ए कैटेगरी या फिर उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहाँ पे, उस एक्टर्स को भी अवार्ड मिल सकता है। तो इसके लिए आपका क्या नज़रिया, कैसा देख रही हैं आप, कितना स्कोप है हैदराबादी फिल्मों के? काफ़ी स्कोप है, क्योंकि जस्ट शिकागो लोन काफ़ी हैदराबादी से वहाँ पर, और मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पर भी एक ट्रेंड लगे, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड है कि हैदराबादी फैमिलीज पूरे मिल के आके फिल्म देखते हैं। तो मैं चाह रही हूँ वही सेम एग्जैक्ट चीज़ ये इंशाल्लाह ये फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जितना एक्सपोजर हम लोग दे सकते हैं हैदराबादी इंडस्ट्री को देंगे। और इसलिए हम लोग जो जिस किस्म की मूवीज़ बनाएंगे नौबहार फिल्म्स में, वो साफ़ सुथरी फुल एंटरटेनमेंट, सो दैट वे कि पूरे फैमिलीज आना सारे एक साथ देखने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। और तो शिकागो से शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह करके मोहसिन भाई। और उसके अलावा क्या है ख़ास बात, ये हमारी हैदराबादी फिल्में तो हैदराबाद में आ रही, और वी आर always thankful टू आवर फैंस एंड जो ऑडियंस जो हमारी फिल्में देखती है। मगर बोलने का मतलब ये है कि हैदराबादी फिल्म जो है कई सालों पहले हैदराबाद तक लिमिटेड नहीं रही। जी जी, हमको नॉर्थ के लोग, सही, ऑस्ट्रेलिया में जो हैदराबाद के हैं, आई मीन अमेरिका, यूके, एवरीवेयर, यहाँ तक के गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, लेकिन करिए तेलुगु वाले तो हमारे देखते ही हैं, सही है, इवन तमिल जी, चेन्नई, उधर सब जगह। यानी इतना बोलते हैं भाई आप लोग, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपकी फिल्में देख के हम हैदराबादी बोलना सीखे। और प्लीज सर दूसरे लैंग्वेज में ना फिल्म करना ना फिल्म बनाना, आप लोगों का हैदराबादी जो भाषा है इतना अच्छा, ऐसा बोलते हैं। जी बिल्कुल, तो लिमिटेड नहीं है यहाँ तक हमारी फिल्में, सही। खाली ये है कि अगर हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाएगा जी और हमारी फिल्मों को ये थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। टैक्स फ्री करने का कुछ मुतालबा भी किया गया, डिमांड गवर्नमेंट से। जी जी, जैसे कि मैं आपको बोला डिप्टी सीएम साहब जो है वो हमको सपोर्ट करेंगे, सीएम साहब हमको सपोर्ट करेंगे और यू नो तेलंगाना की तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, अब लोग बोलते हैं कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री है, टॉलीवुड इंडस्ट्री है। आप ये देखो कि ये इंडस्ट्री जो है 80 साल 100 साल पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से है, सही है। हम 10 साल इंडस्ट्री है, ये एक स्मॉल बेबी है, इसको ग्रो होने दो। और डेफिनेटली आगे कई सालों के बाद ग्रो तो होगी, मगर थोड़ा सपोर्ट और मिल जाए तो हेल्दी ग्रोथ होगा, सही है। तो हमारा वही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम कभी हमारे फिल्मों को ना बॉलीवुड से, ना टॉलीवुड से, ना हॉलीवुड से, किसी से हम कंपेयर नहीं करें। हमारी फिल्में लो बजट में, हमारी फिल्में खुद अपनी पहचान बनाई। जी, कई इंडस्ट्री के लोग हैं बॉलीवुड के, बोलते हैं सलीम भाई यार हम लोग करोड़ों करोड़ों लगाते फिल्म बनाने में सलीम भाई, मगर वो कॉमेडी नहीं ला सकते। आप लोग की फिल्में कम बजट में बन जाती है, लाखों में बन जाती है। जब हम आपकी फिल्म बैठ के देखते हैं तो साला हंसी नहीं रुकती, सही। तो थोड़ा थोड़ा अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी करना चाहेगा तो पहले उन्हें डर जाएगा कि भाई टैक्स इतना है, कहाँ से लगाऊं पैसा। तो टैक्स पे अगर कुछ थोड़ा छूट मिलती हमारे को, थोड़ा सपोर्ट मिलता, तो प्रोड्यूसर्स भी आगे आएंगे, बिल्कुल, आर्टिस्ट भी आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। तेलंगाना में तो काफ़ी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ हो रहा है, तो शायद इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर जल्द सुनने में आ सकती है। हंगामा इन शिकागो, ये फिल्म का जो कास्ट रहेगा वो पूरा हैदराबादी एक्टर्स में रहेगा या फिर शिकागो के भी कुछ एक्टर्स इसमें रहेंगे? हाँ है ना, वहाँ के भी, जी वहाँ के भी, जैसे हम लोगों के कैरेक्टर्स है जेड जो है, वहाँ पे हमको एक ऐसा सीन है जहाँ पे हम लोग के पास काम नहीं रहता और वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ओनर रहते, तो वो उनको हमको जॉब देते, क्योंकि हम लोग अच्छा खासा गा लेते तो वहाँ पे सिंगिंग का जॉब दे देते उनके होटल में, सिंगर बन के हम लोग चले जाते। और एक है डोमिनिक, वो भी अच्छा खासा कैरेक्टर प्ले करे हैं, अमेरिकन है वो भी। और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, तमीका, वो एक्चुअली इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग एक फंक्शन में गए थे होटल में, तो हमारे डायरेक्टर की जो है नज़र पड़ी रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोले भाई इस्माइल भाई के ऑपोजिट कैसे रहेंगे हम, तो काफ़ी सारे ऊंचे तगड़े हैं उन्होंने। शी हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द फिल्म। काफ़ी सारे वहाँ के हमारे हैदराबादी जो हैं वहाँ पे बेस्ड हैं, उन्होंने भी फिल्म में काम किया है, तो नए लोगों को भी मौका मिला है इसमें, बिल्कुल। मैं जैसा आपको बोला ना मोहसिन भाई, हम चाहते जी कि नए लोग आए, जिसके पास टैलेंट है प्लीज कम, सही, मगर आप मेक श्योर करिए कि आप जैसे स्टडीज आपकी कंप्लीट करें, उसके बाद आइए इंडस्ट्री में, राइट। यानी एक चांस दीजिए, यानी इंडस्ट्री को ही सब कुछ समझ के नहीं आना चाहिए, सही, समझिए आप। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसा है, मैं भी जब मैं अपना करियर में इंडस्ट्री में अंग्रेज फिल्म आने से पहले गाने वगैरह लिखता था, तेलुगु फिल्मों के गाने हिंदी में करता था। फिर कई लोगों को नहीं मालूम है, मैं आलिया कॉलेज में इंटर किया मैं, और सेकेंड ईयर में मेरा फर्स्ट जॉब था जी। तो मैं काम करते हुए भी स्टडी डिग्री जो है करस्पॉन्डेंस किया, कभी काम को नहीं छोड़ा, ये भी करता था वो भी करता था, क्योंकि खाली हम अगर शौक के पीछे, हमारे फिल्मी दुनिया के पीछे भागेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं दोनों करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचा। और सबको मैं ये एडवाइस दूंगा कि भाई आप अपना काम करते हुए एक ट्राई मारिए। अगर आपके पास टैलेंट है, डेफिनेटली वो टैलेंट को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही है। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सलीम साहब ने कि जो लोग अपने स्टडीज़ को पढ़ते हुए या फिर फिल्मों में आना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो लोग अपने स्टडीज़ भी कंप्लीट करें, साथ ही साथ अपना शौक़ भी पूरा करते हुए किस्मत आजमाएं। इस इंडस्ट्री में हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री में आपका टैलेंट छुपेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी जो शूटिंग है फिल्म की वो पूरी शिकागो में ही है या फिर हैदराबाद वगैरह में भी हुई है? एक्चुअली सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि फर्स्ट हाफ हैदराबाद में है, सेकेंड हाफ जो है शिकागो में। ओके। तो ये कंप्लीट एक 3 घंटे की फिल्म रहेगी और फैमिली बेस नहीं। एक्चुअली आजकल क्या हो गया कि 3 घंटे की फिल्म लोग देख रहे नहीं और बोर हो जा रहे हैं। और हमारी हैदराबादी फिल्मों में ज़्यादा गाना ना रहता, समझे आप? जैसा झाड़ के पीछे से जी गार्डन में हीरोइन निकल रही, मोटरसाइकिल पे हीरो आ रहे हैं। अब ये भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ, हम लोग फिर भी वो करने को सोचते, गाने वाने कई को बोलते हैं, मगर बास फिल्मों में डिमांड रहता हो जाता। और काफ़ी सारे 50-100 डांसर्स पीछे डांस कर रहे हैं, ऐसे कुछ गाने वगैरह रहते नहीं हमारी फिल्म में। तो हमारी फिल्म शॉर्ट एंड स्वीट रहती, मुख्तसर सी रहती, 2 घंटे की फिल्म रहती, 2 घंटे के अंदर जी। तो अभी आप इसके बाद फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मतलब हंगामा है शिकागो फिल्म आपकी पहली एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, तो इसके बाद आगे क्या प्लान्स हैं? काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं अभी जी जी। तो टॉलीवुड में भी करने का इरादा है और फिर बॉलीवुड में भी। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हैदराबादी इंडस्ट्री से ही स्टार्ट करना चाह रही थी मैं जी। तो जब तक टॉलीवुड एंड बॉलीवुड करे तो उन्हें भी मौका मिले हैदराबादी एक्टर्स को, जैसा अली भाई हैं काफ़ी देर से है यहाँ पर, तो उनको बिगर प्लेटफॉर्म्स चाहिए जी। और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, जो मैंने खुद देखा है। सो आफ्टर सीइंग द वे द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वर्क, आई हैव मोर अप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। कि इवन अगर मूवी अच्छी नहीं गई ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क। इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग, हर कोई नहीं कर सकता जो ये करते हैं। माशाल्लाह सही है जी। वो तो और उसके अलावा मैं खैर आप हमारे बारे में बोले हैं क्योंकि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। शी नोज़ हम लोग का हार्डवर्क कितना होता है। डेफिनेटली हर किसी का काम उसको ये मालूम कितना हार्डवर्क होता है, क्योंकि दूसरों के लिए तो बहुत आसान काम है। सही है। अरे क्या है वही देख लिया बन गई फिल्म, मगर उसके पीछे जो मेहनत लगती काफ़ी सारे लोग नहीं देते। मगर उरूसा रहीम मेरे इतने सालों के करियर में शी इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर एंड शी इज़ ऑल्सो इन द डायरेक्शन टीम। ऐसे प्रोड्यूसर को मैं इतने सालों में नहीं देखा। शी इज़ हेल्पिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। अगर कोई काम के लिए अगर प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होता या कोई नहीं जा सकता, शी यूज्ड टू स्टार्ट हर कार, यानी एक छोटी भी कोई चीज़ होना तो शी यूज्ड टू गेट इट फॉर अस ऑन द शूट। एंड ऐसी टीम वर्क जैसे मैं आपको बोला, उससे ही यू नो एक इंडस्ट्री ग्रो होती। सो शी इज़ बीन वेरी हेल्पिंग। तो ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है? अब ये सवाल तो आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछना, तो दोनों भी यही हैं जी। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जनवरी में रिलीज़ करने का। तो अगर आप naubaharfilms.com या हमारे फेसबुक पेज पे देखें तो उसमें अपडेट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। जी जी जी। तो जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि नौबहार फिल्म्स एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, और जहां पे ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस के जो फिल्म्स हैं, जैसे हैदराबादी फिल्म्स हैं और दूसरे अदर दैन इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी जो रीजनल फिल्म्स बनती है, उनको भी इस फेस्टिवल में शामिल करते हुए अवार्ड से नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हैदराबादी फिल्में हैं उनके लिए मार्केट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड सामने मिलेगा। इसके बाद हमारे हैदराबादी फिल्मों को भी काफ़ी मतलब जो एक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालते हुए हमारे नाज़रीन के साथ नौबहार फिल्म्स और आने वाली फिल्म हंगामा इन शिकागो के बारे में तफसीलात फराहम की। थैंक यू वेरी मच। आप भाई बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। तो नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक देखते रहिए टीटीवी उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।